गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम राधा, आई एम हियर विद माय प्रेजेंटेशन एंड टुडे द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज फर्डिनेंड डी सोशोर। फर्डिनेंड डी सोशोर के बारे में हम सब जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। अगर हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो उसके कंसेप्ट को समझने के लिए हमने कभी ना कभी किसी न किसी बुक में फर्डिनेंड डी सोशोर के बारे में पढ़ा था। तो फर्डिनेंड डी सोशोर जो है वो बहुत ही ग्रेट लिंग्विस्टिक और सेमियोलॉजिस्ट है, और उन्हें क्या है, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक भी माना जाता है। जो सेमियोलॉजी और लिंग्विस्टिक के जो फादर है उसको डी सोशोर को माना जाता है। तो हमारे जो लिटरेचर है उसमें जो सबसे मेन जो थियोरी है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो थियोरी है वो फर्डिनेंड डी सोशोर की है। और फर्डिनेंड डी सोशोर के बारे में पढ़े बिना तो हम रह ही नहीं सकते। सारे के सारे जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो थियोरी है वो फर्डिनेंड डी सोशोर से होती है। फर्डिनेंड डी सोशोर ने जो अपनी लैंग्वेज की, लिंग्विस्टिक की, सिग्निफाइड की अपनी जो थियोरी थी वो दी थी। फिर उसके द्वारा दी गई जो लिंग्विस्टिक थियोरी थी, उसके द्वारा दी गई लैंग्वेज की जो थियोरी थी, उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस्ड वर्क है वो जैक्यूस डेरिडे का डीकंस्ट्रक्शन है। तो उसने जो जैक्यूस डेरिडा था उसने क्या डीकंस्ट्रक्शन की थियोरी दी थी। जो हमारे फर्डिनेंड डी सोशोर थे उन्होंने अपने वर्क में लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन फर्डिनेंड डी सोशोर ने उसके द्वारा जो एक उसमें लैंग्वेज को एक लाइन में चलाया गया जो रूल था उसको तोड़कर उसको डीकंस्ट्रक्शन में बांटने की बात कही गई थी। लेकिन फिर हमारे एम एच अब्राहम ने क्या कहा कि हमें क्या है, किसी भी वर्क को समझने के लिए जो जैक्यूस डेरिडा के द्वारा दिया गया जो लैंग्वेज का कंसेप्ट था उसको हम कभी भी नहीं भूल सकते। हम क्या है, जो डेरिडा है उसके कंसेप्ट को ये मान सकते हैं कि हर एक जो बंदा होता है उसकी जो थिंकिंग पावर है वो अलग अलग होती है, लेकिन हम जो सोशोर के द्वारा दिया गया जो थियरी है लिंग्विस्टिक की, सेमियोलॉजी की, सिग्निफाइड की उसको तोड़ नहीं सकते। तो जो एम एच अब्राहम है उसने जो सोशोर के द्वारा दी गई जो लैंग्वेज के कंसेप्ट था उसको लोगोसेंट्रिक मेथड के द्वारा, कंसेप्ट के द्वारा समझाने की कोशिश की थी। तो हमारे जो आज की जो वीडियो है वो फर्डिनेंड डी सोशोर के बारे में है। जो फर्डिनेंड डी सोशोर हैं वो स्विट्जरलैंड के पोएट थे और उन्होंने लिंग्विस्टिक और सेमियोलॉजी के ऊपर लिखा था, और उनके जो वर्क थे वो इसी के लिए थे। वो शुरू अपने बचपन से ही इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि वाले थे, इंटेलिजेंट बच्चे थे, और उन्होंने अपने जो वर्क थे उसके अंदर जो लैंग्वेज की जो थियोरी थी वो प्रेजेंट की थी। तो उन्होंने सिग्निफाइड की थियोरी दी थी, पैरोल की दी थी, लैंग्वेज की थियोरी दी थी, और वो क्या थे, एक प्रोफेसर के रूप में काम करते थे। कहाँ पर करते थे, जो जेनेवा यूनिवर्सिटी है, जो जेनेवा के यूनिवर्सिटी में वहाँ पर जनरल लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर के रूप में काम करते थे। तो उसके जो दो स्टूडेंट थे, चार्ल्स पेली एंड अल्बर्ट सिचवेक, उनके द्वारा दिए गए जो लेक्चर थे उनको नोट किया गया था। तो उनको उस कंसेप्ट को समझने के लिए भी हमें क्या है, सोशोर के बारे में पता चलता है। तो हमारी जो ये आज की जो ये वर्क, जो ये वीडियो है वो फर्डिनेंड डी सोशोर को डेडिकेट की गई है कि फर्डिनेंड डी सोशोर ने हमारी जो लैंग्वेज है उसके डेवलपमेंट में कितना योगदान दिया है। हमें जो लिटरेचर है उसको समझने के लिए हमारी जो बेसिक नॉलेज है, हमें जो बेस है वो बनाना पड़ेगा, और हमें थियोरी को समझने के लिए, हमें लैंग्वेज के कंसेप्ट को समझने के लिए, हमें सेमियोलॉजी के कंसेप्ट को समझने के लिए हम फर्डिनेंड डी सोशोर को भूल नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो फर्डिनेंड डी सोशोर का जो वर्क है वो हमें क्या है, हमेशा याद रखने पड़ेंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसका जो मेन टॉपिक है वो है द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। जो फर्डिनेंड डी सोशोर ने जो ऐसे लिखा था द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी की सब्जेक्ट जो पोएट्री होती है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टडी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो उसने ऐसे लिखा था द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो मेरा जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का वो है द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऐसे रिटन बाय फर्डिनेंड डी सोशोर। तो इस तरह से हम फर्डिनेंड डी सोशोर की लिंग्विस्टिक थियोरी को समझ सकते हैं, और लिंग्विस्टिक थियोरी को समझने के बाद ही जब हम पूरी तरह से जो फर्डिनेंड डी सोशोर के द्वारा दी गई जो लिंग्विस्टिक थियोरी थी उसके द्वारा दिए गए जो कंसेप्ट थे, उसके द्वारा दिया गया जो आइडिया था सिग्निफायर और सिग्निफाइड का थियोरी दिया गया, जो दी गया जो आइडिया था उसको समझने के बाद ही हम जो दूसरे थियोरिस्ट हैं, जैसे कि जो हमारे डेरिडा है उनके द्वारा जो दी गई थियोरी थी डीकंस्ट्रक्शन उसको समझ सकते हैं। हमें पहले सोशोर की थियोरी को समझना होगा, उसके बाद हम डीकंस्ट्रक्शन की थियोरी को समझ सकते हैं। और इसी तरह से जो एम एच अब्राहम है उसने भी ऐसे लिख रखा है, कौन सा ऐसे लिख रखा है उन्होंने,
उनका जो ऐसे था वो था डिकंस्ट्रक्टिव एंजल, वो इन दोनों की जो थियोरी है उनकी कंपैरिजन करके जो लिखा गया ऐसे है वो अपना डिकंस्ट्रक्टिव एंजल है। तो हम इन सारे के सारे जो थियोरेटिकल वर्क है उनको तभी समझ सकते हैं जब हम फर्डिनेंड डी सेशोर के द्वारा दिए गए कंसेप्ट को, उसके द्वारा लिखे गए ऐसे को, इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे, तो तभी हम क्या है थियोरी के जो बेस है, लिंग्विस्टिक है, लैंग्वेज है, सेमेटिक्स है और द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफायर और सिग्निफाइड है, उन सबको समझ सकते हैं। तो सबको समझने से पहले हमें फर्डिनेंड डी सेशोर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो अब मैं फर्डिनेंड डी सेशोर के बारे में आपको बताऊंगी। सेशोर वाज बोर्न इन जेनेवा, जो सेशोर था उनका जन्म जेनेवा में हुआ था इन 1857। कब हुआ था? 1857 में हुआ था। हिज फादर वाज हेनरी लुइस, उसके फादर का नाम हेनरी लुइस था। और फर्डिनेंड डी सेशोर ए मिनरलॉजिस्ट एंड एंटोमोलॉजिस्ट एंड टैक्सोनोमिस्ट। सेशोर शोड द साइन ऑफ कंसिडरेबल टैलेंट एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एज द अर्ली एज द एज ऑफ 14। जो ये हैं हमारे सेशोर हैं वो मिनरोलॉजिस्ट, एटमोलॉजिस्ट, टैक्सोनोलॉजिस्ट थे और उनकी जो इंटेलेक्चुअल थी, उनकी जो इंटेलिजेंस थी, वो उनकी जो जो उनकी अर्ली एज थी जब तक वो 14 ईयर्स ओल्ड, मतलब 14 साल के ही हुए थे, तो उसके जो फादर हैं उसके बेटे की जो नॉलेज है उसका पता उनको चल गया था। तो जो फर्डिनेंड डी सेशोर हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और वो शुरू से ही अपने बचपन से ही इंटेलिजेंट रहे थे। इन द ऑटम ऑफ 1870 ही बिगिंस टू अटेंडिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ मार्टिन। वो पहले उन्होंने क्या है जो मार्टिन इंस्टीट्यूट था उसको स्टार्ट किया था। प्रीवियस द इंस्टीट्यूट ऑफ लेगर्टन अंटिल द 1969 इन जेनेवा। देयर ही लिव्ड विद हिज फैमिली ऑफ क्लासमेट एली डेविड। वहाँ पर वो अपनी फैमिली और अपने दोस्त एली डेविड के साथ रहते थे। ग्रेजुएटिंग एट द टॉप ऑफ क्लास सेशोर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू हिज स्टडीज एट ए जिमनेस एडी जेनेवा। बट हिज फादर डिसाइड ही वॉज नॉट मेच्योर इनफ एट द 14 एंड हाफ एंड सेंट हिम टू कॉलेज ऑफ जेनेवा इंस्टेड। जो हमारे जो ये सेशोर थे वो शुरू से ही इंटेलिजेंट थे, वो अपने दोस्त एली डेविड और अपनी फैमिली के साथ रहते थे। उसने जो अपनी ग्रेजुएशन की थी तो वो टॉप क्लास में पास की थी, मतलब कि उसने बहुत हाई रैंक प्राप्त किया था। सेशोर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू हिज स्टडी इन जिमनेस डी जेनेवा। वो जिमनेस डी जेनेवा में अपनी जो स्टडी हम वो कंटिन्यू रखना चाहते थे। बट हिज फादर डिसाइड ही वॉज नॉट मेच्योर्ड इनफ टू एट 14 एंड हाफ एंड सेंट हिम टू द कॉलेज ऑफ जेनेवा इंस्टेड। लेकिन उसके जो फादर थे वो सोचते थे कि अभी बड़ा तो हुआ नहीं, छोटा सा तो है ही, इसको इतनी कहाँ नॉलेज होगी, तो वो उसको जो कॉलेज ऑफ जेनेवा उसमें भेज देते हैं। जो कितना ही इंटेलिजेंट बच्चा हो लेकिन उसके जो मदर फादर हैं, जो उसके मम्मी पापा हैं, वो कम ही मानते हैं कि उनका जो बेटा है वो इंटेलिजेंट भी हो सकता है। तो यही किसके साथ बना? अपने सेशोर है उसके साथ बना। तो उसके पापा ने सोचा कि कहाँ इंटेलिजेंट होगा, तो उसने जो सिंपल कॉलेज था जेनेवा उसमें उसके एजुकेशन के लिए भेज दिया। तो उसकी जो एजुकेशन थी वो जो सिंपल जो जेनेवा कॉलेज था उसमें कंटिन्यू रही। सेशोर वॉज नॉट प्लेस्ड एज कंप्लेंट आई एंटर द कॉलेज डी जेनेवा टू वेस्ट ऑफ टाइम देयर इज कम्प्लीटली एज ए ईयर कैन बी वेस्टेड। और वो ये कहता है कि मैंने जेनेवा का जो ये कॉलेज है या वो जो मैंने अटेंड किया है ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। तो उसको ये जो ये कॉलेज उसने अटेंड किया था उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं था। तो यहाँ पर यही पता चलता है कि जो सेशोर है वो अपनी लाइफ के लिए, अपने बुद्धि के लिए, वो उनको पूरा विश्वास था, उन्हें यह पता था कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। तो वो क्या है उसके फादर के द्वारा सिंपल जो कॉलेज है जो जेनेवा का उसमें भेज दिए जाते हैं, लेकिन वो क्या है चले तो जाते हैं लेकिन उसको ये लगता है कि मैं इस कॉलेज के अकॉर्डिंग खुद को ढाल नहीं सकता हूँ। तो वो क्या कहते हैं कि इस कॉलेज में सिंपली क्या है वेस्ट ऑफ टाइम है। उसने जो सिर्फ अपनी लाइफ का जो टाइम है वो यहाँ पर क्या किया, वेस्ट किया है। उसे यहाँ से कुछ भी गेन नहीं किया है, उसे यहाँ से कुछ भी चीज़ नहीं मिली है। तो वो अपने इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही श्योर थे। अब सेशोर के जो लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सेशोर अटेंड द वेरिस टाइम इन 1880 सेंचुरी एंड 1819 सेंचुरी टू राइट द बुक ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक मैटर्स।
जो 1880 सेंचुरी उसे 1890 के जो दशक है उसमें जो हमारे सशोर हैं उन्होंने बहुत सारे लिंग्विस्टिक के ऊपर जो बुक्स थी वो क्या कर दी थी, लिख दी थी। उन्होंने क्या थे, बहुत सारे जो बुक थी वो इसके लिए जो लिंग्विस्टिक है इसके लिए वो लिख दी थी। हिज लेक्चर्स अबाउट द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव इन जेनेवा बिटवीन 1907 and 1911 when collected the publishing of his pupil posthumously in the famous Corde de Linguistics journal in 1916। और उन्होंने जो अपने बहुत सारे जो लेक्चर थे वो जो लैंग्वेज के ऊपर दिए गए जो लेक्चर थे वो उन्होंने जो कॉलेज है कॉलेज ऑफ जेनेवा है उसमें जो लैंग्वेज के जो प्रिंसिपल हैं वो दिए थे। और 1907 से 1911 तक वर कलेक्टेड पब्लिश्ड हिज पीपल, उसने बहुत सारे जो लेक्चर थे वो दिए थे। तो 1907 से 1911 के बीच में जो उसके पीपल्स थे उसके जो शिष्य थे उन्होंने जो उसके द्वारा दिए गए जो लेक्चर थे उनको क्या किया, कलेक्ट किया और उसके मरने के बाद उन्होंने क्या करवा दिया, पब्लिश करवा दिया। तो ये सारे के सारे उसके द्वारा दिए गए जो लैंग्वेज के जो लेक्चर थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए जो उसके द्वारा दिए गए लेक्चर थे वो आज भी हेल्पफुल है। Some of the manuscript including unfinished essay discovered in 1996, और उसके द्वारा कुछ जो manuscript थी वो लिखी गई थी वो क्या थे, कुछ incomplete थी, पूरी नहीं थी। तो उनको वो भी कब 1996 में discover की गई थी, वो खोजी गई थी और published in writing in general linguistic, और वो क्या है, writing in general linguistic में publish करवा दी गई थी। writing in general linguistic में 1996 में जो उसके unfinished work थे जो linguistic के बारे में लिखे गए थे उनको भी publish करवाया गया था। और क्या है, बट मोस्ट ऑफ द मटेरियल इन इट हैड ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड इन एग्लर्स क्रिटिकल एडिशन ऑफ कोर्स इन 1967 and 1974। लेकिन जो उसके द्वारा जो वर्क जो पब्लिश किए गए थे 1996 में उनमें से जो बहुत सारे जो वर्क थे वो 1967 से 1974 तक अधिकतर जो उसके जो वर्क थे वो पब्लिश करवाए जा चुके थे। इट इज आल्सो द क्वेश्चन एबल टू व्हाट एक्सटेंट द कोर्स इटसेल्फ कैन बी ट्रैक्ड बैक, और ये क्या है, अनक्वेश्चनेबल है कि जो उसका जो वर्क थे जो उसका कोर्स था वो दोबारा कैसे फिर क्या है लिंग्विस्टिक में कैसे है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो फर्डिनेंड डी सोशोर थे उनके द्वारा जो दी गई जो थियरी थी उसमें उनके द्वारा जो दी गई जो थियरी थी वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, और उनके द्वारा जो पब्लिश करवाए गए जो वर्क थे वो क्या है, हम जो सिंपल जो जो उसके वर्क हैं वो 1967 से 1974 के बीच में पब्लिश करवा दिए गए थे। उसने जो अपने वर्क उसके जो वर्क हम पढ़ रहे हैं वो उन्होंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा है उसमें लेक्चर दिए थे, तो उसके जो पीपल्स थे उन्होंने कलेक्ट करके उन वर्क को पब्लिश करवाया था। तो उनसे हमें ये पता चलता है कि वो कितने इंटेलिजेंट थे कि उनकी मौत के बाद भी उनके डेथ के बाद भी जो पीपल्स थे उनके द्वारा दिए गए लेक्चर थे उनको इतने सेव रखा गया था, उनको संभाल कर रखा गया था। तो उसके लेक्चर की जो इम्पोर्टेंस है वो हम यहीं से समझ सकते हैं। तो अब क्या पता चलता है, क्वेश्चनेबल व्हाट एक्सटेंड द कोर्स इटसेल्फ कैन बी ट्रैक्ड बैक इन शोर लोन, शोर हैव शोन दैट एट लीस्ट द करंट वर्जन ऑफ कंटेंट आर मोर लाइकली टू हैव बीन शो कॉल्ड एडिटर चार्ल्स बेली एंड अल्बर्ट सचे। तो उसके जो हम वर्क जो पढ़ रहे हैं वो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा हम मान सकते हैं वो किसके द्वारा पब्लिश करवाए गए हैं, उसके जो दो स्टूडेंट थे चार्ल्स बेली और अल्बर्ट सचियन जो हैं इनके द्वारा जो शोर था जो शोर के द्वारा दिए गए जो लेक्चर हैं उनको हम देख सकते हैं। तो उसके जो दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने शोर के वर्क को पब्लिश करवाया था जिनका नाम हमेशा याद किया जाता है तो चार्ल्स बेली और जो हमारा अल्बर्ट सचे था, ये हम दोनों के दोनों जो हैं ये दोनों याद करने बहुत ज़रूरी हैं। अब हम कोर्स ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक के बारे में जानते हैं, तो कोर्स ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक क्या है उसके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है।
तो सोशोर जो है मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड वर्क कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, जो सोशोर का सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस्ड वर्क था वो था कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। कौन सा था? कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। और इसको क्या है, कोर्स डेला लिंग्विस्टा जनरेला, जनरली भी कहा जाता है। और पब्लिश इन पोस्टमसली इन 1916, ये 1916 में उसकी डेथ के बाद पब्लिश करवाया गया था बाय फॉर्मर स्टूडेंट चार्ल्स वैली एंड अल्बर्ट सचे, जो ये उसके जो उसके स्टूडेंट थे, प्यूपिल थे, चार्ल्स वैली और अल्बर्ट सचे, उनके द्वारा ये जो वर्क था वो पब्लिश करवाया गया था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नोट्स, जो ये नोट्स हैं इनके बेस पर, टेक फ्रॉम द सोशोर लेक्चर, जो सोशोर के लेक्चर के ऊपर बेस्ड हैं, इन जेनेवा, जेनेवा यूनिवर्सिटी के अंदर द कोर्स बिकम वन ऑफ द सेमिनल लिंग्विस्टिक वर्क ऑफ 20th सेंचुरी। ये हमारे जो 20th सेंचुरी है उसके बहुत ही फेमस वर्क माने जाते हैं। कि अगर हम 20th सेंचुरी के जो लिंग्विस्टिक वर्क को जो अगर हम देखते हैं तो हमारा कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक जो है इसको कोई भी भूल नहीं सकता है। सोशोर के द्वारा दिया गया ये बहुत ही फेमस वर्क था, और इस वर्क के बिना जो लिंग्विस्टिक का जो हमारा हमारे जो नॉलेज है वह पूरी नहीं हो सकती। तो जो 20th सेंचुरी है उसमें लिंग्विस्टिक के जो सबसे फेमस जो वर्क माना जाता है वो है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। और इसी में क्या, सोशोर अप्लाइड द डिस्कसिंग लिंग्विस्टिक एंड फिनोमेना, यहाँ पर उसने जो लिंग्विस्टिक फिनोमेना है उसको प्रजेंट किया है। तो हमें क्या है, इन सब वर्कों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं उसकी जो थियोरी है सिग्निफायर और सिग्निफाइड की, इन सब थियोरी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। द टर्म सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड आर मोस्ट कॉमनली रिलेट द सेमियोटिक्स, ये दोनों के दोनों सेमियोटिक्स से रिलेटेड हैं। विच इज डिफाइंड बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें भी जो सिग्निफायर है सिग्निफाइड उसकी डेफिनेशन दी गई है। और वो डेफिनेशन क्या है कि ऑनलाइन एज दी स्टडी साइन द सिंबल एंड देयर यूज ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्या है, द स्टडी ऑफ साइंस, किसी भी चीज़ का जो साइन होता है, साइन का मतलब होता है चिन्ह, जो किसी भी चीज़ का जो साइन होता है एंड सिंबल, और किसी भी चीज़ का जो सिंबल होता है एंड देयर यूज ऑफ इंटरप्रिटेशन, और उसको यूज़ करने के लिए जो एक अलग अलग जो बंदे हैं उनके द्वारा यूज़ की गई जो बातें होती हैं, इंटरप्रिटेशन होती हैं, उसको हम जो हमारा सिग्निफायर है सिग्निफाइड है उसके साथ समझ सकते हैं। तो सिग्निफायर और सिग्निफायर जो है ये क्या है, साइन की, सिंबल की और इंटरप्रिटेशन की जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें सिग्निफायर और सिग्निफाइड से मिलता है। और स्विस लिंग्विस्टिक जो फर्डिनेंड डी सोशोर है, वन ऑफ द मोस्ट फाउंडर ऑफ द सेमियोटिक्स, इंट्रोड्यूस्ड दिस टर्म एज अ टू मेन प्लान्स टू द साइन एंड द फर्स्ट पर्टेंट टू द प्लान ऑफ कंटेंट, और किसी भी वर्क के कंटेंट को समझने के लिए हमें किस चीज़ की लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके द्वारा जो दिए गए जो वर्क थे उसके द्वारा ही हम जो हमारा सिग्निफायर है सिग्निफाइड है उसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसके द्वारा दी गई जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड की जो थ्योरी थी उसको समझने के लिए हमें क्या है, जो उसके द्वारा जो हमारे फर्डिनेंड डी सोशोर के द्वारा जो जनरल लिंग्विस्टिक की जो थ्योरी थी, जो सिग्निफायर सिग्निफाइड का जो कंसेप्ट था वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। इन हिज बुक, जो उसकी बुक है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, जो उसकी बुक है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, पब्लिश्ड इन 1916, ये 1916 में पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी? 1916 में पब्लिश हुई थी। और सोशोर एक्सप्लेन दैट द साइन वाज नॉट ओनली अ साउंड इमेज बट आल्सो द कंसेप्ट, और उसने ये कहा था कि जो साइन जो होता है नॉट ओनली अ साउंड इमेज, ये सिर्फ साउंड की जो एक इमेज होती है वो नहीं होती बट आल्सो दी कंसेप्ट, लेकिन ये क्या होती है, कंसेप्ट भी होता है। अगर हम किसी वर्ड का नाम लेते हैं तो उसकी एक इमेज होती है। सिग्निफायर सिग्निफाइड सिर्फ इसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है बल्कि इनका एक अपना कंसेप्ट है, और बिना कंसेप्ट के हम सिग्निफायर सिग्निफाइड को भी समझ नहीं सकते हैं। तो साइन को हम सिर्फ एक वर्ड के साथ ही समझ नहीं सकते हैं, उस वर्ड के साथ उस साइन के साथ एक बहुत बड़ा जो कंसेप्ट है उसको मिलाकर ही हम जो सिग्निफायर है और सिग्निफाइड है उसको समझ सकते हैं। यदि हम एक वर्ड का नाम का यूज़ कर दें कि सेब कोई वर्ड है, हमने किस वर्ड का यूज़ कर दिया, सेब, एप्पल का यूज़ कर दिया,
लेकिन हम सिर्फ एप्पल कहकर ही इसको नहीं समझ सकते, एप्पल 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 मीन सेब, इसके साथ हम इसको नहीं समझ सकते, तो हमें इसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो इसका कंसेप्ट क्या होगा कि देयर आर मैनी फ्रूट्स इन दिस वर्ल्ड, हमारे यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन उसमें एक हमारे पास एक अलग फ्रूट होता है जिसका नाम एप्पल होता है, जो हमें जो रेड रेड जो कलर में हो मिलता है और उसकी ये इमेज होती है, इसको ही हम एप्पल कहेंगे, और किसी दूसरे जो फ्रूट हैं जो उनको हम एप्पल नहीं कह सकते। तो किसी एक साइन को समझने के लिए उसका जो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो उसी के ऊपर बेस होता है। तो शेषोर ने ये कहा है कि साइन को समझने के लिए जो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, साइन को पूरे का पूरा जो कंसेप्ट है उसी के बेस पर समझा जा सकता है। तो उसने क्या कहा कि किसी भी वर्ड को जो पूरे के पूरे जो इमेज दी गई है उसी के साथ समझा जा सकता है। अब सिग्निफायर साउंड इमेज है, सिग्निफायर जो होती है वो साउंड इमेज होती है और सिग्निफाइड कंसेप्ट होता है। तो इस तरह से जो हमारा सिग्निफायर होता है वो साउंड इमेज होती है और सिग्निफाइड जो होता है वो कंसेप्ट होता है। फॉर श्योर द सिग्निफाइड इज सिग्निफायर वर द प्योरली साइकोलॉजिकल देवर फॉर्म रादर देन सब्सटेंस। इस तरह से बहुत ही क्या होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल, हमारे जो थिंकिंग पावर है, हमारे जो थिंकिंग कैपेसिटी है, उसको भी हम क्या है इसके साथ समझ सकते हैं कि हमें क्या है किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए, सिग्निफायर सिग्निफाइड को कंसेप्ट को समझने के लिए हमारी जो इंटेलेक्चुअल है उस कैपेसिटी का भी होना जरूरी है। टूडू फॉलोविंग हेलमेस्लेव सिग्निफाइड इज इंटरप्रेटेड एट मेटेरियल फॉर्म एंड समटाइम विच कैन हैव बीन हियर्ड टच्ड स्मेल्ड एंड टेस्ट एंड सिग्निफाइड एज द मेंटल कंसेप्ट। इस तरह से जो सिग्निफाइड है वो एक मेंटल कंसेप्ट है कि हम इसको मेंटल कंसेप्ट के साथ ही जो सिग्निफायर है सिग्निफाइड की जो थियरी है उसको समझ सकते हैं। तो हम बिना इसके हम क्या है मेंटल कंसेप्ट के बिना, बिना इंटेलेक्चुअल पावर के बिना जो सिग्निफायर सिग्निफाइड की जो थियरी है उसको समझ नहीं सकते हैं। अब हम जो मैंने जो इसका जो मेन बेस था वो पहले ही बता दिया है। तो अब हम जो इसका हमारा जो ऐसे है ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी उसके बारे में मैं बताऊंगी। जो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है जो शिशोर के द्वारा जो दिए गए जो लिए हक्के जो वर्क है हमने पढ़े हैं उसके साथ ही ये कनेक्ट है कि जब हम शिशोर के जो दूसरे वर्क हैं उनको समझ लेते हैं तो उसी के बेस पर ये जो हमारा दूसरा ये जो हमारा ऐसे है ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो शिशोर ने जो कंसेप्ट दिए हैं वही के वही इसके अंदर भी दिए हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी जो है ऐसे इसमें क्या कहा है उन्होंने वो भी हम अब देख लेते हैं। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है उसमें शिशोर ने क्या कहा है, द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज फर्डिनेंड डी शिशोर, उसने सबसे पहले जो दिया है वो दिया कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज। उसने जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है उसमें जो सबसे मेन जो चीज़ ली है वो ली है कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज। उसने इसमें जो लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस है उसको इसमें जो हमारा ऐसे है उसको इसमें शो किया है। तो फर्डिनेंड डी शिशोर आर्ग्यूज इन द ऐसे, उसने जो ये ऐसे है उसमें ये आर्ग्यूमेंट दिया है दैट की द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी में दैट की लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, की हमारी जो लैंग्वेज जो होती है वो सोशल इंस्टीट्यूशन जो होता है उसकी क्या होती है पार्ट होती है, कि हम जो लैंग्वेज है उसका यूज एज ए सोशल ह्यूमन बीइंग हम उसका यूज करते हैं। तो हमारे सोशल जो इंस्टीट्यूशन होता है उसमें जो लैंग्वेज होती है इसका बहुत ही मेन पार्ट है। And as such should be studied in the more depth approach that the call semiology. और जो इसकी जो एजुकेशन है इसकी जो स्टडी है जब हम इस लैंग्वेज के कंसेप्ट को समझते हैं लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है समझते हैं तो इसका जो कंसेप्ट है वो हमारा जो सिस्टम है हैविंग अप्रोच दैट ही कॉल्ड सेमियोलॉजी, और इसी की जो स्टडी है जो लैंग्वेज की जो स्टडी है उसका मतलब क्या होता है सेमियोलॉजी होता है। ही डिजाइनेड ए लैंग्वेज इन स्ट्रक्चर्ड सिस्टम हैविंग द फोर करेक्टरिस्टिक्स, और उसने लैंग्वेज को फोर करेक्टरिस्टिक्स के साथ हमें क्या किया है एक्सप्लेन किया है कि हम इन चार करेक्टरिस्टिक्स के साथ लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो उसने जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है उसमें जो सबसे मेन जो कंसेप्ट दिया है वो किसका दिया है लैंग्वेज का दिया है,
और उसने ये कहा है कि बिना लैंग्वेज के हम किस जो हमारी सोसाइटी है उसमें भी नहीं रह सकते हैं। एज ए सोशल ह्यूमन बीइंग हमें लैंग्वेज का यूज करना बहुत ही जरूरी है। और जो उन्होंने कहा है कि जो हमारी लैंग्वेज की जो स्टडी है और उसी को हम क्या कहते हैं, सेमियोलॉजी कहते हैं। और उन्होंने लैंग्वेज के जो चार हैं, जो चार करैक्टरिस्टिक्स हैं उनका भी वर्णन किया है। तो ये चार करैक्टरिस्टिक्स हैं, ए लैंग्वेज इज ए वेल डिफाइंड एंटिटी। एक जो लैंग्वेज जो होती है वो एक वेल डिफाइंड, मतलब कि कोई भी जो लैंग्वेज है उसका यूज हम जब करते हैं तो वो क्या होती है, वेल डिफाइंड, उसका एक मीनिंग होता है। बिना मीनिंग के किसी भी लैंग्वेज को समझा नहीं जा सकता है। तो उसने ये कहा है कि कोई भी जो लैंग्वेज हमारे द्वारा जो यूज की जाती है वो क्या होती है, वेल डिफाइंड होती है, उसका एक मीनिंग होता है। उसने जो सेकंड करैक्टरिस्टिक्स दी है लैंग्वेज की वो है, ए लैंग्वेज सिस्टम इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी स्टडीड इंडिपेंडेंटली। और उसने ये कहा है कि जो लैंग्वेज है सिस्टम एंड ऑब्जेक्ट, ये एक सिस्टम है, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होती है, दैट कैन बी स्टडीड इंडिपेंडेंटली, और उसको हम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं। हम इसको किसी भी लैंग्वेज को सिर्फ किसी लिमिट्स के साथ ही समझ नहीं सकते। जब हम किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं तो हमें पूरी इंडिपेंडेंट के साथ उसको यूज करना बहुत ही जरूरी है, और उसके कंसेप्ट को हम इंडिपेंडेंटली ही समझ सकते हैं। द लैंग्वेज सिस्टम इज होमोजेनियस इन नेचर। और जो लैंग्वेज का जो सिस्टम है उसको सिर्फ एक बंदे तक सीमित नहीं रखा जा सकता। जो लैंग्वेज का कंसेप्ट है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो इसको हम छोटे दायरे में रखकर नहीं समझ सकते। जो लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है वो वर्ल्ड वाइड है, ये बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। इसको समझना बहुत ही, मतलब कि जो लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है वो एक बंदे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है इसमें जो रहने वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे जो लैंग्वेज का कंसेप्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं। एक इंडिविजुअल बंदे के साथ लैंग्वेज का कंसेप्ट समझा नहीं जा सकता है। तो ये क्या है, होमोजेनियस इन नेचर, ये होमोजेनियस है इन नेचर, नेचर में। और उसने फोर्थ जो लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स दी है, वो क्या है, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर इज नो लेस रियल देन द स्पीच एंड नो लेस अमेंडेबल टू स्टडी। उसने ये कहा है कि जो लिंग्विस्टिक का जो स्ट्रक्चर है इज नो लेस रियल देन स्पीच, जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो वर्ड यूज किए जाते हैं तो जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है उससे कम नहीं है। उसने ये कहा है कि जो लिंग्विस्टिक का स्ट्रक्चर है और हमारे द्वारा जो यूज की गई लैंग्वेज है वो दोनों एक जैसे हैं, वे दोनों के दोनों इक्वल हैं। और स्पीच एंड नो लेस अमेंडेबल टू स्टडी, और इसको हमें क्या, अपनी जो स्टडी है उसको समझने के लिए जो लैंग्वेज का कंसेप्ट है वो करना बहुत ही जरूरी है। ही सेपरेट स्पीकिंग इंटू द थ्री पार्ट्स। उसने जो हमारी लैंग्वेज है, स्पीकिंग है, उसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। उसने ये कहा है कि जो हमारे द्वारा जो यूज़ की गई लैंग्वेज है उसको हम थ्री पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं। तो जो उसका जो पहला पार्ट था वो था फिजिकल पार्ट। उसने ये कहा है कि जो फिजिकल पार्ट है उसमें है साउंड वेव्स। उसने ये कहा है कि जब कोई बंदा किसी और व्यक्ति के साथ क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, जब वह किसी चीज़ को वो अपने द्वारा की दी गई किसी जो इंफॉर्मेशन है किसी दूसरे को देता है, तो सबसे पहले जो उसके द्वारा यूज होता है वो होता है फिजिकल पार्ट। तो यहाँ पर फिजिकल जो पार्ट है वो साउंड वेव से है कि वो एक वर्ड का यूज़ करता है और वो एक वर्ड के साथ दूसरे वर्ड का यूज़ करता है और उन वर्ड को कलेक्ट करके वह क्या लैंग्वेज का यूज़ करता है जिसके साथ वो किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करता है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है फिजिकल पार्ट। तो उसने दूसरा जो पार्ट दिया है वो दिया है साइकोलॉजिकल पार्ट, और ये है फिनेशन एंड हियरिंग। और जो हमारा उसने जो दूसरा पहला कहा है कि हमें क्या है, किसी भी लैंग्वेज सिस्टम के लिए सबसे पहले हमें क्या है, हमारा फिजिकल पार्ट है, बोलना ज़रूरी है, हमें क्या साउंड वेव की ज़रूरत होगी। तो उसने जो दूसरी जो पार्ट दिया है वो है हमारा फिजियोलॉजिकल पार्ट, और ये क्या है, हियरिंग से रिलेटेड है कि हमने जो बात की है उसको सुनने वाला भी होना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, उसके साथ अगर हम किसी चीज़ के बारे में किसी से बात कर रहे हैं
और हमारे द्वारा जो वर्ड का यूज होता है अगर उसको कोई सुनने वाला ही नहीं है तो हमारा जो लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है वो शुरू पूरा नहीं हो सकता। तो उसने ये कहा है कि पहले तो फिजिकल पार्ट मीन हमें क्या है, वर्ड्स का यूज़ करना होगा, तो हमें बोलना होगा। फिर उसके बाद है उसने क्या कहा, फिजियोलॉजिकल, तो फिजियोलॉजिकल का मतलब है हियरिंग, तो उससे वो कोई सुनने वाला भी होना चाहिए। और तीसरा दिया है उसने साइकोलॉजिकल पार्ट, तभी तीसरा उसने दिया है साइकोलॉजिकल, कि हमने जो लैंग्वेज यूज़ की है, हमने जो वर्ड यूज़ किए हैं उनका कोई मीनिंग भी होना चाहिए और उसका मीनिंग हमारे माइंड के अंदर भी होना चाहिए। अगर कोई वर्ड हमने यूज़ किया उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, उसके हमारे माइंड के अंदर कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता, तो हमारा जो हमारा स्पीकिंग का जो पार्ट है वो पूरा नहीं हो सकता। तो उसने जो तीसरा पार्ट दिया है वो भी बहुत ज़रूरी है, और तीसरा क्या है, साइकोलॉजिकल पार्ट उसके द्वारा दिया गया है। और इस तरह से उसने जो अलग अलग पार्ट हैं तो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी जो ऐसे में उसमें उनका वर्णन किया है। अब जो नेक्स्ट है, द वर्ल्ड कैन बी अंडरस्टैंड एंड बिकम टू बी साइकोलॉजिकल पार्ट। और उसने ये कहा है कि कोई भी जो वर्ड है वो साइकोलॉजिकल कैसे बन जाता है, साइकोलॉजी का हिस्सा कैसे बन जाता है। द वर्ल्ड कैन बी अंडरस्टूड बिकम द साइकोलॉजिकल पार्ट, वो साइकोलॉजिकल पार्ट कैसे बन जाते हैं। इन आवर माइंड, हमारे माइंड में वी हैव सेट अप ए सिस्टम ऑफ साउंड, हमारे माइंड में एक सिस्टम ऑफ साउंड होता है, मतलब कि हमारा जो माइंड है अगर किसी और व्यक्ति के द्वारा किसी वर्ड का यूज़ किया जाता है तो उसको कैच करने की पावर है। तो इसमें क्या है, हमारे माइंड में एक सिस्टम ऑफ साउंड बना हुआ है कि हमारे सामने अगर कोई साउंड आती है तो उसको हमारा जो माइंड है वो क्या कर लेता है, समझ लेता है। तो हमारे माइंड में सिस्टम ऑफ साउंड बना हुआ है That correspond the distinct idea and this is how to understand and utilize the language. और जब हम उस आइडिया का यूज़ कर लेते हैं, उस आइडिया को समझ लेते हैं, उस आइडिया को यूज़ कर लेते हैं, तो हम क्या है, उस जो हमारे जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा यूज़ की गई लैंग्वेज है उसको हम समझ सकते हैं, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसने यहाँ पर जो लैंग्वेज का कंसेप्ट है उसको साइकोलॉजिकल कंसेप्ट के साथ जोड़कर हमें प्रेजेंट किया है कि जब किसी दूसरे बंदे किसी बंदे के द्वारा किसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और हमें उसको अपनी साइकोलॉजी के साथ जोड़ देते हैं, साइकोलॉजी के साथ एक कंसेप्ट ऑफ वर्ड बनता है और उस कंसेप्ट ऑफ वर्ड के साथ जो आइडिया बनते हैं उन आइडियाज़ के साथ ही हम किसी वर्ड को समझ सकते हैं। और अगर हम किसी वर्ड के साथ अपने मेंटल कनेक्शन के बिना किसी वर्ड के बारे में सुनते हैं और उसका कोई कंसेप्ट हमारे माइंड में नहीं बनता तो हमारा जो लैंग्वेज का जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो उसने ये कहा है कि कोई जो वर्ड है उसका साइकोलॉजिकल जो चेंज है, उसके जो कंसेप्ट माइंड में बनना है वो बनना बहुत ही ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या है, लैंग्वेज का जो कंसेप्ट दिया है, लैंग्वेज के कंसेप्ट के चार पार्ट हैं वो, और उसके बाद जो स्पीकिंग एबिलिटी है उसके लिए जो पार्ट है उनका वर्णन किया है। और उसमें इसने सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताया है वो है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, कि किसी भी वर्ड को अगर हम साइकोलॉजिकल रूप से नहीं समझ सकते तो उसका मीनिंग हमारे लिए क्या है, नन है, उसका मीनिंग हमारे लिए नल है, वो किसी भी काम का हमारे लिए नहीं है। लेकिन अगर किसी के द्वारा कोई वर्ड यूज़ किया जाता है और वो क्या है, किसी हमारे माइंड में किसी कंसेप्ट को क्रिएट कर देता है तो ये लैंग्वेज का सही रूप है। तो उसने कहा है कि लैंग्वेज का सही यूटिलाइजेशन उसके साइकोलॉजिकल जो एबिलिटी है उसमें निहित है। तो आगे क्या कहा है, साउंड पैटर्न, इस तरह से उसने क्या कहा है कि डिश शोर है यूजेज एन ऑब्जेक्ट टू विजुअल इमेज, उसने विजुअल इमेज फॉर साउंड, साउंड के लिए एक विजुअल इमेज का कंसेप्ट दिया है। और क्या दिया है, दिस इज जस्ट अब्सर्ड, और उसने ये कहा है कि अगर हम किसी वर्ड को सिर्फ उसकी इमेज के साथ समझते हैं तो ये क्या है, सही नहीं है, बल्कि इसको हम अब्सर्ड कहेंगे, अब्सर्ड मीन बेतुका। तो उसने ये कहा है कि किसी वर्ड का अगर मीनिंग नहीं निकलता तो हमारे लिए अब्सर्ड है, निरर्थक है। सो इन द डिफाइनिंग द लैंग्वेज पैटर्न वन मस्ट टेक द अकाउंट ऑफ एनीथिंग दैट गोज एंड इन टू द लैंग्वेज एज ए होल, इस तरह से जो हमारे लैंग्वेज का जो पूरा बड़ा जो कंसेप्ट है, जो हमारे लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए हमें जो लैंग्वेज के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। कि पहले किसी वर्ड की साउंड होती है, साउंड को बाद फिर उसकी हियरिंग, मतलब कि उस साउंड को कोई सुनने वाला भी होना चाहिए, उसके बाद हमारे माइंड
हेड में जो इमेज बनती है ये किसी भी वर्ड के लिए, किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। और जो वर्ड किसी दूसरे बंदे के द्वारा यूज़ किए जाते हैं उसकी इमेज हमारे दिमाग में पहले ही होती है। और अगर कोई वर्ड है जो किसी बिना मीनिंग के यूज़ किया गया है तो वो क्या है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अब्सर्ड है, वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। अब उसने इस प्रकार से जो प्रोसेस है वो लैंग्वेज की वो कैसे बताई है, पहले हियरिंग है, फिर प्रोसेसिंग इन माइंड है, और फिर क्या है अंडरस्टैंडिंग दैम एज हैविंग एन एक्सिट मीनिंग एंड एक्सप्लिसिट मीनिंग एंड लैंग्वेज सिस्टम दैट योर सोसाइटी हैज सेट इनटू द प्लेस। इस तरह से उसने ये कहा है कि जो कोई भी जो वर्ड है पहले हम उसको हियरिंग सुनते हैं, फिर प्रोसेसिंग इन माइंड, और माइंड में उसकी प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस के बाद उस वर्ड को हम दूसरे को बताते हैं। तो ये क्या है, जब ये हमारी लैंग्वेज को यूज़ करने का जो सिस्टम है वो किस से रिलेटेड है, हमारे जो सोसाइटी में जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो हमारे सोशल नेटवर्क है, हमारे सोसाइटी में जो आइडियाज को एक दूसरे को देने की जो बात है, वो हमारा जो कंसेप्ट है वो इसी में पूरी होती है। तो हमारी जो प्रोसेस है, पहले हियरिंग है, दूसरे नंबर पर प्रोसेसिंग माइंड है, और तीसरे नंबर पर जो साइकोलॉजिकल जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो है। जो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है उसमें जो हमारे सशोर के द्वारा जो दिया गया जो कंसेप्ट था सिग्निफायर और सिग्निफाइड का, उसका भी यूज़ किया गया है। तो उसने यह सिग्निफाइड और सिग्निफायर का जो सिस्टम दिया था, सिग्निफायर और सिग्निफाइड की जो थ्योरी दी थी, उसको भी समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो उसने ये कहा है कि तो टर्म जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड की आर द मोस्ट कॉमनली रिलेटेड टू सेमियोटिक्स विच डिफाइन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एज। उसने ये कहा है कि जो हमारी टर्म है सिग्निफायर और सिग्निफाइड की, वो भी हमारे सेमेटिक्स में बहुत ही ज़रूरी है, और हमारे जो डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड है उसका मीनिंग क्या निकलता है, एक का मीनिंग निकलता है वर्ड, दूसरे का मतलब निकलता है इमेज। यही शोर ने कहा है कि जो हमारा सिग्निफायर है और सिग्निफाइड है, ये है कि एक तो वर्ड होता है, एक उसकी इमेज होती है, फिर उसके बाद मेंटल प्रोसेस होती है, और फिर हमारा सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर आता है। तो उसने ये कहा है कि जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा कैट वर्ड का यूज़ कर दिया जाता है, कैट के बाद एक इमेज हमारे सामने आती है, कैट एक एनिमल की इमेज आती है, और उसके बाद हम एक कंसेप्ट को समझते हैं कि कैट जो होती है वो क्या होती है, एक एनिमल होती है, और उसे वो इस तरह से जो दूसरे एनिमल्स हैं उनसे अलग होती हैं। तो उसके कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं, तो उसके जो हमारे सिग्निफायर का जो कंसेप्ट है वो समझना ज़रूरी है। तो सिग्निफायर का मतलब होता है इमेज, और सिग्निफाइड का मतलब होता है उसका जो कंसेप्ट है वो। सिग्निफायर का मतलब होता है वर्ड, और सिग्निफाइड का मतलब होता है इमेज, कि वर्ड का जो इमेज है उसका जो कंसेप्ट है वो किस तरह से हमारे माइंड में बनता है। तो सिग्निफायर का मतलब होता है कि एक सिंपल वर्ड, और सिग्निफाइड जो उसकी मेंटल प्रोसेस है, उसकी जो डिफरेंट प्रोसेस है वो सिग्निफाइड के अंडर आती है। और शोर आर्ग्यूज दैट, उसने ये कहा है कि साइन जो होते हैं आर एग्रीड अपॉन और द रिलेटेड टू सिग्निफायर। वो जो सिग्निफायर जो हमारे सिग्निफायर जो होते हैं, उसने ये कहा है कि साइन जो होते हैं किसी भी चीज़ का साइन जो होता है वो सिग्निफायर से रिलेटेड होता है। और उसने ये कहा है कि द रिलेशन बिटवीन द सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज आर्बिट्रेरी। उसने ये कहा है कि जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो रिलेशन होता है उसको हम सिर्फ एक कंसेप्ट के साथ नहीं समझ सकते, उसके जो वो आर्बिट्रेरी है, मतलब वो चेंज होने वाला है। तो उसने ये कहा है कि जो ये आर्बिट्रेरी होता है सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो कंसेप्ट होता है वो आर्बिट्रेरी होता है। जैसे कि मैंने कैट वर्ड का यूज़ किया था, कैट के बाद एक इमेज आती है, उसकी किसकी आती है, हमारी जो कैट है उसकी इमेज आती है। लेकिन जो इसने ये कहा है कि जो सिग्निफायर का जो रिलेशन होता है वो आर्बिट्रेरी होता है। इसका ये मीनिंग है कि जो सिग्निफायर का और सिग्निफाइड का जो रिलेशन मैंने बनाया है, हो सकता है तुम्हारे द्वारा जो बनाया गया जो कंसेप्ट था वो इससे अलग हो। तो इसको कंसेप्ट को इसी के साथ समझा जा सकता है कि आर्बिट्रेरी होता है, कि हर एक बंदे की जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, वो जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो अलग अलग होती है। तो जो इनका रिलेशन है वो क्या होता है, वो आर्बिट्रेरी होता है। वी कैन अंडरस्टूड एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू आवर ओन इंटेलेक्चुअल पावर। और हम किसी भी वर्ग को हमारे जो इंटेलेक्चुअल पावर है, हमारी जो एबिलिटी है, उसी के साथ समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा डिशेस हो रहे हैं उस
उसने जो लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है वो दिया था, और उसने ये कहा है जो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी जो ऐसे है उसमें इसने ये कहा है कि जो लैंग्वेज का कंसेप्ट है वो हमारे लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। और उसने ये कहा है कि जो हमारा सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो कंसेप्ट है वो हमारे जो साइकोलॉजिकल जो कैपेसिटी है उसी के साथ पूरा हो सकता है। अगर हमें किसी भी जो लैंग्वेज की जो प्रोसेस है उसको पूरा करना है तो उसके साथ उसके लिए हमें क्या है हियरिंग, और उसके उसके लिए हमें वर्ड हियरिंग, और उसके बाद कंसेप्ट इन कंसेप्ट इन टू द माइंड और हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसने ये कहा है कि कोई भी जो कम्युनिकेशन है और कोई भी जो लैंग्वेज है वो बिना मीनिंग के बिना इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के पूरा नहीं हो सकती। तो उसने यही जो लैंग्वेज का जो कंसेप्ट दिया था वो बहुत ही ज़रूरी दिया माना जाता है, और उसके द्वारा सिग्निफायर और सिग्निफाइड की थीरी दी जाएगी थी कंसेप्ट दिया गया था वो भी बहुत ज़रूरी है। सिग्निफायर का मतलब होता है वर्ड, और सिग्निफाइड का मतलब होता है उस वर्ड से बनने वाली इमेज। तो हमें क्या है सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में शोर के बारे में बताया, उनका जो ऐसे था ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी के बारे में बताया, और ये हमारे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।